एप्लीकेशन मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। साथ ही साथ जब ये एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी तो हर कोई इसके ऊपर वीडियो बना रहा था, पर मैंने नहीं बनाई थी। आप में से काफी ज्यादा लोगों ने नोटिस भी करा होगा जो मेरे को रेगुलर देखते हैं, पर हाँ यहाँ पर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि भाई हर कोई वीडियो बना रहा था। तो मैंने सोचा था जब कि मैं वीडियो जब बनाऊंगा, जब ये सब लोग वीडियो बनाना बंद कर देंगे, साथ ही साथ आप लोग यूजर जो है जो हमारी वीडियो देखते हैं वो लोग इस एप्लीकेशन को यूज करना बंद कर देंगे। पर दोस्तों यहां से जो है एप्लीकेशन, अब भाई ऑब्वियसली बात है कि यहां पर अदर अदर एप्लीकेशन आती रहती है, नई नई एप्लीकेशन आती रहती है, रोज रोज अपडेट आती रहती है, तो आप दूसरे एप्लीकेशन में भी लग गए होंगे, उस एप्लीकेशन के बारे में भूल गए होंगे। तो इसीलिए आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं उसी एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि वो एप्लीकेशन काफी ज्यादा स्पेशल और काफी ज्यादा शानदार और काफी ज्यादा जेन्युइन एप्लीकेशन है, क्योंकि एक वो ब्रांड की तरफ से आता है। अब दोस्तों यहां पर ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो ब्रांड की तरफ से आता है जहां पर आपको अर्निंग भी देखने को मिलती है, और आपको मैं बता दूं कि यहां से जो अर्निंग होती है कि इसके अंदर आपको कोई एप्लीकेशन टास्क वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ता, इसके अंदर काफी ज्यादा सिंपल टास्क करना पड़ता है, और मतलब कि ये समझ लो कि आपको बैठे बैठे यहां पर गिफ्ट कार्ड मिलेंगे। बस यहां पर आपको अंदर पेशेंस होना चाहिए क्योंकि यहां पर जो टाइम है थोड़ा सा ज्यादा लगता है। अब दोस्तों यहां पर जो एप्लीकेशन है वो कौन सा होने वाला है, उसके लिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से जाना है और जाने के बाद डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप ओपन करते हो तो आपको लोगो देख के तो समझ ही गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। गेट स्टार्ट पे जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गुड इवनिंग वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पर टैप टू साइन अप पे क्लिक करना है। इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हट जाना है, और उसके बाद यहाँ से आपको जाना है गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट डालना है। माइक्रोसॉफ्ट डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट आ गया है, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, गेट यहाँ पर आपको साइन अप करना है, अपना अकाउंट बनाना है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अपनी ईमेल आईडी के थ्रू। अब जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं क्रिएट वन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालने का बोलता है, और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। जैसे हम अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं, नेक्स्ट कर देना है आपको। यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड करना है, तो पासवर्ड हम क्रिएट कर देते हैं, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है, नाम वगैरह डाल देना है अपना, और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे इंडिया को इंडिया सिलेक्ट कर रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी पे आपको एक कोड रिसीव होएगा, तो कोड यहाँ पर आपको डाल देना है, तो अभी तो रिसीव नहीं हुआ है, तो हम सीधा करते हैं, ऐसा करते हैं मेल में चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये कोड है हमें रिसीव हुआ है, तो इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और वापस जाते हैं दोबारा से इसमें, और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ये वैसे डायरेक्टली भी हो जाता है एप्लीकेशन के अंदर, पर यहाँ पर अगर करोगे ना तो वो सही है। यहाँ पर नेक्स्ट करना है, कैप्चा फिल करना है, यहाँ पर पिक वन स्क्वायर डेट सो टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। यहाँ से वेरीफिकेशन जो कम्प्लीट हो चुकी है, वेरीफिकेशन कम्प्लीट होने के बाद वापस जाते हैं हम अपने द्वार से बिंग ब्राउजर में जाते हैं हम, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, और अपने प्रोफाइल वाले में जाना है, साइन इन करना है, और माइक्रोसॉफ्ट वाले पे साइन इन कर देना है। और जैसे यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड हम डाल देते हैं जो हमने वहाँ पर क्रिएट करा था। उसके बाद साइन इन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो सक्सेसफुल यहाँ से साइन इन हो जाएगा। बस इतना प्रोसेस जो है वो आपको यहाँ पर करना है, और यहाँ पर जैसे देख रहे हैं अभी लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर जो है हमारा जो हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, होम पे आ जाते हैं। होम पे आने के बाद ये रिवॉर्ड वाला जो ऑप्शन है, रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे जैसे आप क्लिक करते हैं, ज्वाइन नाउ पे आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर लोडिंग लेगा, और उस तरीके से गॉट इट बूम गाइस, यहाँ से हो चुका है आपका। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिग बास्केट और अमेजोन गिफ्ट कार्ड दिख रहा होगा। अमेजोन गिफ्ट कार्ड पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, सेट गोल पे आपको क्लिक करना है। सेट गोल जैसे आप यहाँ पर कर देते हैं तो आपका सेट गोल हो चुका है, 250 रुपये का गिफ्ट कार्ड हो चुका है। और यहाँ पर मिनिमम आपको मैं बताऊँ तो यहाँ से 5000 का गिफ्ट कार्ड ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर थंबनेल और टाइटल में बोला 5000 का गिफ्ट कार्ड आपके सामने है, 250 रुपये से लेकर 5000 तक का गिफ्ट कार्ड आसानी से यहाँ से ले सकते हो। बस यहाँ से आपको अर्निंग करनी है। अब अर्निंग किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पूरा का पूरा ब्राउजर तो दिख ही रहा होगा, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, 0 PTS कौन है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डालते हैं विपिन यूटेक, विपिन यूटेक डालते हैं, सर्च करते हैं। अब जैसे ही सर्च करते हैं तो हमारे भाई तुम्हारे जो
ये विपिन यू टेक है, पूरी की पूरी वीडियोस यहाँ पे आ जाती हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से भी ये वीडियोस वगैरह देख के आसानी से अपने जो कॉइन है वो अर्न कर सकते हो। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो 3 कॉइन हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। अब इसी तरीके से सर्च मार मार के आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से कर सकते हो मोर एक्टिविटी, तो यहाँ पर आपको प्लान ट्रिप करनी है तो यहाँ पे आपको 5 कॉइन यहाँ पे वैसे मिल जाएंगे। अगर प्लान ट्रिप करोगे तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं रिडायरेक्ट कर दिया हमें ट्रिप प्लान करने के लिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो कि यहाँ पे स्कोर रेजेंट है और उसके बाद इट्स ऑल ग्रीक, यहाँ पे ये सारे जो सारे के टास्क हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो और इनको कंप्लीट क्या करना है, करना कुछ भी नहीं, इन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे रिडायरेक्ट होएगा, खुलेगा, वापस आ जाना है। वापस जैसे आओगे कॉइन बढ़ जाएंगे, वो जो टास्क है आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस पर भी क्लिक करना है, वापस आ जाना है। वापस आने के बाद आपके कॉइन बढ़ गए, उसके बाद फिर से क्लिक करना है और वापस आ जाना है और आपके यहाँ पे फिर से कॉइन बढ़ जाएंगे। उसके बाद वापस इस पर क्लिक करना है और ये खुला। बैक आना है और यहाँ पे आपको फिर से कॉइन बढ़ जाएंगे और उसके बाद दोबारा से इस पर क्लिक करना है। सारे के सारे टास्क ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे आपके। जैसे कि देखो कॉइन बढ़ चुके हैं, इस पर क्लिक करते हैं। अब हम आखिरी वाले पे इस पर क्लिक करते हैं और खुलता है। वापस आते हैं भाई, वापस जैसे आते हैं तो यहाँ पर आपका जो कॉइन है वो बढ़ जाएंगे और यहाँ पर जो आपके टास्क हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो 45 कॉइन जो है वो बिल्कुल फ्री में कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे आप देख रहे हैं सर्च टू अर्न और यहाँ पे हमने 15 बार जो हमने सर्च कर दिया है 33 बार और रह गया, मतलब 33 टाइम्स हमें यहाँ पे करना है। तो बाकी के टाइम्स भी आप यहाँ पे जितना सर्च करोगे उतने यहाँ पर आपको कॉइन मिलेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेट गोल जो आपने कर रखा है 4000 में, आपको 4000 जैसे यहाँ से आपको PTS कॉइन इकट्ठे हो जाते हैं तुरंत ही आपको जो गिफ्ट कार्ड है आपको यहाँ पर बस रिडीम पे क्लिक करना है, आपकी ईमेल आईडी पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, पर गिफ्ट कार्ड आपको 100% मिलेगा। पर यहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से सर्च करके आपको यहाँ से अर्न करना है। अब कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पर अर्निंग करनी है। बाकी यहाँ पर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हो, यहाँ पर होम पे क्लिक करके यहाँ वापस आ सकते हो, दोबारा रिवॉर्ड वाले पे जा सकते हो, बाकी आप यहाँ पे ऐप्स वगैरह पे भी आ सकते हो और यहाँ पे सब कुछ यहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिलती है। पर यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ से भाई इसी तरीके से आपको यहाँ पर अर्निंग करनी है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे गिफ्ट कार्ड ले सकते हैं फ्लिपकार्ट का और लाइफस्टाइल का और पता नहीं किस किस का है, पर अमेज़ोन का जो है वो सबसे बेस्ट है और अमेज़ोन गिफ्ट कार्ड लेने के लिए ही आप वीडियो में आए हो। तो मैंने बता दिया है ये है वो तरीका और इसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा आसानी से बिना टास्क करे हुए आराम से अर्निंग कर सकते हो। बाकी एप्लीकेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।